सो इटली से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सो लास्ट ईयर की तरह मैं समझा था कि इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे, लेकिन इटालियन एम्बेसी और फिर इंडियन एम्बेसी और फिर यहाँ के स्टूडेंट्स लोग पूरे लोग मिल के एक दिवाली का इवेंट्स रखे थे। एक्चुअली दिवाली नॉर्मल डेज पे था, तो हमारा क्लासेस वगैरह थे तो वो लोग पूरा वीकेंड पे शिफ्ट किए थे। तो आज संडे था और फिर पूरा ग्रैंड से सेलिब्रेशन किए थे और फिर पूरा मतलब पूजा पाठ किया और फिर जैसे बड़े बड़े लोग या फिर यहाँ के गवर्नमेंट भी हेल्प की थी पूरा इवेंट सक्सेसफुल होने में। मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है, जब अपने देश का कुछ फेस्टिवल मतलब दूसरे देश में इतने ग्रैंड से सेलिब्रेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स कितना प्राउड फील होता है अगर कोई अपने कंट्री के बारे में बात करता है, स्पेशली फेस्टिवल्स के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत से फॉरेनर्स आए थे तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मेमोरी के लिए एक कैप्चर कर लेते हैं। तो बस चलिए आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम लोग बस चढ़ने गए ना, तो बस में पूरे के पूरे इंडियंस, पूरा बस ऐसे नहीं लग रहा था कि फॉरेन में। आप लोग देख सकते हो कितने इंडियंस भरे थे, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स थे और फॉरेनर्स भी आए थे, लेकिन बस पूरा इंडियन से भरा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर जैसे ही बस से उतरे तो मतलब ऐसे कि मतलब पूरे साउथ इंडियंस के, नॉर्थ इंडियन के, गुजरात से, केरला से, कर्नाटक से, आंध्रा से ज़्यादा तेलुगु लोग थे। तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर डिफरेंट उन लोगों का डिफरेंट ड्रेस और कल्चर्स, हमारे ख्याल से मतलब अपने इंडिया में एक जगह इतने मतलब डिफरेंट स्टेट्स के लोग नहीं देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे देखे थे। तो बहुत अच्छा लगा था और सब के सब लोग ऐसे मतलब एक तरह गैदर करके गए थे। तो फाइनली हम लोग इवेंट पर पहुँचे, तो अभी डे टाइम था तो ऐसे कुछ स्टेज सजा हुआ था और फिर बाकी के लोग आ जा रहे थे। तो ऐसे फॉरनर्स भी आए थे, बहुत आए थे और फिर ऊपर से मतलब ऐसे क्या बोलते हैं फॉरनर्स मतलब इंडियन ट्रेडिशन में आए थे, साड़ी वगैरह पहन के। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे कोई अपने देश का फेस्टिवल्स कल्चर को फॉलो करके देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बस आप लोग देखते जाइए कैसे लग रहा है कैसा नहीं करके। और फिर यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह रखे गए थे इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा और बाकी जितने भी फूड वगैरह थे देखे पूरे सब स्टॉल्स हैं। तो सब फूड जो भी स्टॉल थे पूरे वेजिटेरियंस थे, तो कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं था। और तो यहाँ पर अलग अलग राज्य के जैसे साउथ के हो गए, फिर नॉर्थ के हो गए, साउथ में केरला से, कर्नाटक से, अलग अलग लोग जो भी मतलब जैसे पकौड़े हुआ, स्वीट्स हुआ, जहाँ का जो भी फेमस है वो सब ऐसे बेच रहे थे और बाकी फॉरनर्स भी इंजॉय कर रहे थे अच्छे से। तो सारे सारे स्टूडेंट्स ही थे और फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स थे। तो बस ऐसे देखे कितना मतलब भीड़ भाड़ लगा हुआ है, पानी पूरी, समोसा और छोले भटूरे सब ए टू जेड मिल रहा था। बस आप लोग स्टॉल देखते रहिए और एक ही जगह पे मतलब एक कंट्री में दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फूड, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे जो दिख रहा ना ये आपको डोसा बन रहा है, तो डोसा का बहुत ही डिमांड था और फॉरेनर्स लोग ऐसे कुछ देख रहे थे मतलब क्या है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है करके। और फिर दिवाली का जो मेला ऐसे लगा था। और यहाँ पे देखिए मेहंदी, मेहंदी भी स्टॉल लगाए थे और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मेहंदी लगा रहे हैं सब फॉरेनर्स को, यहाँ पे नहीं लगाते लेकिन कल्चर है ऐसे लगा रहे हैं। और फिर जैसे हम लोग को खाना लेना था तो यहाँ पे हम लोग कूपन लेते थे, तो 2 यूरो, 1 यूरो, 5 यूरो ऐसे कूपन था, फिर लेकर जाकर वहाँ पे हम लोग ऐसे खाते पीते थे जो भी। बहुत बड़े लाइन लगे थे स्पेशली पानी पूरी के लिए और फिर डोसा के लिए और समोसा के लिए, तीन चीज़ों के लिए बहुत बड़े बड़े लाइन लगे थे। सो फाइनली शाम के टाइम में ऐसे इवेंट हुआ था, तो देखिए कितने लोग जुटे हैं, एक पूरे इंडियन स्टूडेंट्स और फिर फॉरनर्स भी आए देखने के लिए कल्चर। और फिर यहाँ पे मैडम इटालियन दिवाली के बारे में बता रही हैं उनको। उसके बाद कल्चरल इवेंट होने के बाद दिया जला गया और फिर जो बड़े उसमें भी गेस्ट आए थे अपना प्रोजेक्शन वगैरह दिवाली के बारे में सबको बनाई थी। तो इवेंट आता था बहुत ही अच्छा लगा, कैप्चर कर लिया। तो बस चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।